हेलो एवरीवन, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ आम की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। तो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड और फैमिली में भी इसे शेयर कीजिए। चलिए इसे बनाना मैं स्टार्ट करती हूँ। इसको बनाने के लिए ले लेना है एकदम पका हुआ रसीला आम। तो मैं यहाँ पे ली हूँ हापुस आम। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए एकदम मीठा आम लेंगे तो आपका रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो आम को मैं कट कर लेती हूँ। इसको कट करने के बाद इसका गूदा निकाल लेना है। तो चम्मच के सहायता से मैं इसका गूदा निकाल लेती हूँ। तो रफली इसी तरह से निकाल लें गूदा को। अब इसको डाल देना है जार में। फिर इसके बाद इसमें डाल देना है 3 से 4 चम्मच चीनी और थोड़ा सा पानी डाल करके इसे पीस लेना है। इसे मैं अभी पीस ली हूँ तो अभी ले लेना है बाउल और ले लेना है अमूल फ्रेश क्रीम। तो मैं यहाँ पे पूरा पैकेट डाल रही हूँ क्रीम का। अगर आपके पास अमूल फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप घर का ताज़ा मलाई भी ले सकते हैं और इसे एकदम अच्छे से फेंट लेना है। घर का मलाई अगर आप ले रहे हैं तो एकदम फ्रेश लें और एक कटोरी ले लें मलाई। तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेना है। अभी ये एकदम अच्छे से मिक्स हो चुका है तो अब इसमें डाल देना है आम का प्यूरी। और प्यूरी डालने के बाद इसे एकदम अच्छे से मिला लें। हापुस आम का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो आप इसमें हापुस आम का ही यूज़ करें, बहुत ही यम्मी लगता है खाने में। तो यहाँ पे मैं इसे एकदम अच्छे से मिला ली हूँ। अब ये हो चुका है एकदम अच्छे से मिक्स। तो अभी मैं इसमें डाल देती हूँ एक अनार। तो एक अनार का मैं दाना निकाल ली हूँ और एक केला को मैं इस तरह से एकदम बारीक बारीक कट कर ली हूँ। एक एप्पल को मैं इस तरह से बारीक बारीक कट कर ली हूँ और यहाँ पर मैं ली हूँ एक आम। आम को भी बारीक बारीक कट कर ली हूँ। तो सभी फ्रूट को एकदम बारीक बारीक कट कर लेना है। बारीक बारीक कट रहेगा तो खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। आप अपने मनपसंद का इसमें कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं। तो अभी इसको एकदम अच्छे से मिला लेना है, मिक्स कर लेना है। मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ चिरौंजी और पिस्ता। आप चाहें तो अपने मनपसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो लीजिए, मैंगो डेजर्ट बन करके तैयार हो चुका है। इसको रख दें कुछ मिनट के लिए फ्रिज में, जब ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद इसे खाइए तो और भी ज़्यादा ही टेस्टी लगता है।